साल 2020 कोरोना से लड़ाई के बीच कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन नया साल यानी कि साल 2021 में सामने आ रही बातें कम खतरनाक नहीं है। साल 2021 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अब जारी की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के ताजा संस्करण में दुनिया पर मंडराते खतरों के बारे में आगाह किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार एक खतरा मंडरा रहा है जो कोरोना वायरस महामारी से भी बड़ा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की भविष्यवाणियों की माने तो पूरी दुनिया को अरबों का वित्तीय नुकसान होने वाला है, और इसका मतलब ये होगा कि एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। आने वाले समय में वैश्विक महामारी, आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल पुथल और लगातार बिगड़ते जलवायु संकट दुनिया के लिए एक समस्या बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 5 से 10 सालों में धरती पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, और ये मुसीबतें कहां से आएंगी, किस देश में आएंगी, कब आएंगी, इसके बारे में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 सालों में मुसीबतें आने वाली हैं। वैसे साल 2020 में लॉकडाउन के कारण कार्बन उत्सर्जन कम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे कोरोना के बाद जिंदगी पटरी पर लौटेगी, अर्थव्यवस्थाएं ठीक होने शुरू होंगी, तब उत्सर्जन बढ़ने लगेगा और फिर से जलवायु का संकट गहरा हो जाएगा। और जलवायु संकट से जुड़े मामलों को मानवता के लिए संभावित खतरा माना जाता है। इस कारण से ये खुलासा या ये रिपोर्ट ज्यादा संवेदनशील है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पिछले 12 साल से दुनिया को महामारी के प्रति आगाह कर रही है। 2021 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कई समुदायों के 650 से अधिक सदस्यों ने कड़ी मेहनत करने के बाद तैयार की है। इसके लिए दुनिया भर से डेटा जुटाया गया है। जलवायु संकट के अलावा संक्रामक रोग, जंगल में आग, ये सब बड़े खतरे हैं जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि 2020 और 2021 में अब तक जो भी हालात सामने आए हैं उनके मुताबिक कोरोना वायरस के बाद संक्रामक रोगों का जोखिम सबसे पहले नंबर पर है, जबकि पिछले साल 2020 में जब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सामने आई थी तब संक्रामक रोगों का खतरा 10वें नंबर पर था। वैसे जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर हमें बहुत पहले से आगाह किया जा रहा है, लेकिन साल 2020 में कम कार्बन उत्सर्जन के बावजूद भी ये खतरा टला नहीं। ऐसे में हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।